पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दादा ईश्वर दास रोहाणी की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जबलपुर के एम्पायर चौराहे में स्थित दादा ईश्वर दास रोहाणी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया, जहां इस दौरान उनके पुत्र कैंट विधायक अशोक ईश्वर दास रोहाणी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। जी, 5 नवंबर दादा की पुण्यतिथि पर आज दादा की प्रतिमा पर सभी कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने दादा को चाहने वालों ने दादा को आज पुष्पांजलि अर्पित की। दादा को श्रद्धांजलि देकर सभी ने संकल्प लिया कि दादा के जो कार्य सेवा के थे, विकास के थे, उन सेवा कार्यों को और विकास कार्यों को निरंतर हम इसी तरह गति देते रहें, और उनका जो मार्गदर्शन था हमारे प्रेरणा स्रोत थे, उनका जो मार्गदर्शन था सेवा का, उस सेवा के मार्ग को हम निरंतर इसी तरह बढ़ाते रहें। आशीर्वाद की कामना के साथ दादा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दादाजी को शत शत नमन। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पुष्पांजलि करने के लिए उनकी मूर्ति के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस तरीके से दादा पीड़ित मानवता के क्षेत्र में लगातार कार्य करते थे। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक सम्मान अशोक रोहाणी जी के नेतृत्व में पूरा भारतीय जनता